सो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बंदा घर पे अनएम्प्लॉयड बैठा है, या फिर वो कोई प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर वो कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, या फिर वो कुछ अपना कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ तैयारी कर रहा है, जैसे कि ये भी इस पे भी एक चीज़ बताऊँ कि कई लोग कहते हैं स्पोर्ट्स पे कर रहे हो तो भाई इसमें तो कुछ लाइफ ही नहीं है, पढ़ाई ही करो। भाई सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, कोई सिंगिंग में जाता है, कोई क्रिकेट में जाता है, कोई टेबल टेनिस में जाता है, कोई टेनिस में जाता है। अब इसमें तुम पहले से ही बोल दो कि वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वो बड़ा आदमी ना बन जाए। अब किसी सेलिब्रिटी का मैं नाम नहीं लूँगी, बट हर एक के अपने जो इस भी सेलिब्रिटी की आप लाइफ स्ट्रगल उठा लो, सब इन सब चीज़ों से निकले हैं, यहाँ तक कि फेलियर्स भी देखे उन्होंने लाइफ में, फिर भी वो रुके नहीं। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो कि आपको जब आप कुछ बन जाओगे ना तो सबसे पहले खड़े होंगे, ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि अरे ये तो हमारी जान पहचान का था, अरे इसको तो मैं जानती हूँ, और चार लोगों को ले आएंगे। खुदा ना खास्ता आप कोई वो बन गए, क्या कहते सीनियर ऑफिसर बन गए, PCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बन गए, तो चार लोगों को और गाँव के इकट्ठा कर देंगे या शहर के कि चलो मैं काम करवा देता हूँ, मेरा रसूख है। यही यही वो लोग होंगे। तो ऐसे लोगों से आप एकदम परेशान ना हो, एकदम सोचे ना उनके बारे में, बस अपना एक फोकस करें। जो भी गोल है आपके लाइफ का, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो तो अपना घर अच्छा रखिए, अपने घर जितना अच्छे से सजा सकते हैं उतना सजाइए, जो आप प्रॉपर अपने बच्चों पे ध्यान दे सकती दीजिए, अपने हस्बैंड पे ध्यान दे सकती दीजिए, जो भी आप हाउसवाइफ होते हुए कुछ भी आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती हैं तो वो कमाइए, या अगर किसी को सिलाई का शौक है, किसी को क्या कहते हैं कुकिंग का शौक है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, कोई केक्स बनाता है, कोई बेकरी चलाता है साइड इनकम के लिए, तो आप वो करिए, किसी के कहने पे मत आइए कभी भी। दूसरे स्टूडेंट्स की बात है, चुपचाप पढ़ाई करते रहो, जिस कहते हैं ना कि पढ़ाई करो बहुत शांति से, और जब हल्ला मचाएगा ना, जो शोर मचाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट मचाएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। और जो स्टार्टअप्स की बात हुई, तो ऑब्वियसली बात है स्टार्टअप इज़ नॉट अ वन डे ओवरनाइट वर्क, उसमें टाइम लगता है, यू नीड टू गो थ्रू वेरियस प्रोसीजर्स, कितने आपको प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, कितने सर्टिफिकेट्स, कितने परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो वो लोन लेने पड़ते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, टीम इकट्ठी करनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि यार आप कुछ भी कर रहे हो ना, बस उसमें महारत हासिल कर लो, उसमें एक्सेल कर लो, तो फिर ये जो जो साथ के आपके जो लोग आज टोंट मार रहे हैं आपको, या आपको कुछ बुरा भला कह रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली सुना रहे हैं चाहे डायरेक्टली नहीं सुना रहे हैं, या फिर लड़कियों के लिए तो बहुत ही कॉमन है कि भैया शादी क्यों नहीं कर लेती, जैसे कि शादी ही सर्टिफिकेट है। मैं ये नहीं कहती शादी नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली बातें करनी चाहिए, बट अगर किसी का प्रायोरिटी पहले करियर बनाना है तो पहले करियर बना लो फिर शादी कर लो, या शादी के बाद इतने सपोर्टिव इन लॉज हों जो करियर में हेल्प करें वो भी ठीक है। मतलब इन शॉर्ट की दुनिया है, कुछ ना कुछ तो कहेगी ही कहेगी, उसके बातों में आप मत जाइए, जो आपकी वॉइस कहती है, आपकी दिल की आवाज़ कहती है, उसको फॉलो करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो काम आप दिल से करते हो ना, जैसे अगर किसी बच्चे को बोल दो टीवी देखने को या गेम खेलने को, घंटों बिता दो, वो एक सेकंड नहीं उठेगा, खाने के लिए नहीं उठेगा, वॉशरूम के लिए नहीं उठेगा, बस उसी में खेलता रहेगा, क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। तो वही चीज़ है, काम वही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आप कुछ भी कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुनिया को छोड़ दो, भूल जाओ, अपने गोल पे, अपने पैशन को फॉलो करो, गोल पे फोकस करो, और देखना एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। सो थॉट ऑफ द डे, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बी फोकस्ड, बी यू नो डिटर्मिंड कि हाँ मुझे ये करना है, व्हाट में कम मुझे ये काम अपना गोल अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इस समाज में एक वैल्यू एडिशन देना है, चाहे डॉक्टर बनूँ, चाहे इंजीनियर बनूँ, चाहे सिविल सर्वेंट बनूँ, चाहे बिजनेसमैन बनूँ, वो मर्जी आपकी है। सो दिस वॉज माई थॉट फॉर द डे, कि जो मन करे अच्छी चीज़ें करने का, जो कि हमारे समाज में अच्छी हमारी जगह बनाए, हमारा स्टेटस बनाए, इस समाज को हम कुछ वैल्यू ऐड करें, इस लाइफ को हम यूटिलाइज करें, वो करिए, और दुनिया की बातों को नज़रअंदाज करिए। चलो बाय बाय।